जे को मरे मरण है मीठा, गुरु प्रसाद मरे जिन डीठा, मुए करता मुई जो करनी, मुई नारी सुरत जिन धरनी, यदि कोई मरना चाहे तो मर जाए, क्योंकि मरना बहुत मीठा है, आनंददायक है। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से जिन जिन लोगों ने मरना सीख लिया, मरना जान लिया, और जो मर गए उन्होंने उस आनंद का अनुभव किया और जीते जी मुक्त हो गए भवसागर से पार। क्योंकि उनका कर्ता कर्ता भाव और इच्छाएं समाप्त हो गए। मुई नारी सुरत जिन धरनी, मनोवृत्ति रूपी नारी जो सारे मनोभाव को धारण करती है, जो जिस जो जो भाव सामने आता है, दृश्य आता है, उस भाव में रम जाती है, वह भी मर गई। मरना साहब कहते हैं कि यदि कल्याण चाहते हो, जीते जी परमानंद का अनुभव चाहते हो, और हम यदि ये कहें ऊपर उठना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो मर जाओ। ये मरना क्या है? शरीर तो मरेगा ही एक दिन, यद्यपि मरने का डर हर आदमी के मन में है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय, और इससे हर आदमी डरा हुआ है, अनपढ़ से लेकर के विद्वान तक, सामान्य संसारी लोगों से लेकर के बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी त्यागी तपस्वी तक, सबके मन में ये मृत्यु का भय बड़ी गहराई से जमा हुआ है। इसीलिए योग दर्शन में इस मृत्यु भय को अभिनिवेश कहा गया है। अभिनिवेश का अर्थ ही होता है जो गहराई से गड़ा हुआ हो, निकलता नहीं है जल्दी। ये मृत्यु का भय निकलने के लिए बहुत अभ्यास और साधना की आवश्यकता है। यद्यपि जो ज्ञानी हैं वह भी जो कुछ करता है सावधानी पूर्वक करता है। मृत्यु भय का छूट जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप सड़क पर चलो तो आँख मूंद कर चलो, आँख बंद करके आप कुएं में कूद जाओ, नदी में कूद जाओ, बाघ भालू सामने चले जाओ, ये तो उन्माद होगा। जो करना है सावधानी पूर्वक करें, सत्य के मार्ग पर चलें,
मृत्यु आनी होगी, आ जाएगी अपने आप। और मृत्यु से बचने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, किंतु शरीर की मौत तो सबकी हुई है और इसे बचने के लिए कोई उपाय नहीं। कुछ भी कर लो, शरीर की मौत होना ही होना है। कौन जीवित है आज तक? हिरण्यकश्यप और नृसि प्रहलाद की कहानी सब जानते हैं। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हो गए और कहे कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, जो वरदान मांगना हो मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर होने का वरदान दे, मैं अमरता चाहता हूँ। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, अमरता का वरदान आज तक किसी को नहीं मिला है और किसी का शरीर अमर हो नहीं सकता। आत्मा तो सबकी अमर है, किंतु शरीर जन्मा है तो मरेगा, शरीर किसी का अमर नहीं हो सकता, उसको दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक, यदि आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न घर के बाहर हो न घर के भीतर, मेरी मृत्यु न जमीन पर हो और न आकाश में हो, मैं न किसी आदमी से मरूं और न किसी जानवर जीव जंतु से मरूं, और मैं किसी भी औजार से न मरूं। भगवान ने कहा ठीक, जब तुम्हें वरदान देता हूँ। कहानी कहती है जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सताया, भक्ति करने से रोका, प्रहलाद नहीं माने, प्रहलाद पर अत्याचार किए, तो प्रहलाद बचाने के लिए नृसि है अब अवतार लेकर आगे परमात्मा। शर्त क्या है? ना दिन में मरूं ना रात में, तो गोधुली वेला, गोधुली वेला ना दिन होता है उस समय ना रात होती है, गोधुली वेला है, दिन और रात का संगम। ना घर में मरूं ना बाहर, तो चौखट पर, ना बाहर है ना भीतर है, चौखट पर ले गए। ना धरती पर मरूं न आकाश में, तो गोद में रख लिए, न धरती है न तो आकाश है। न आदमी से मरूं न किसी जानवर से, तो आधा जानवर सिंह आधा आदमी। और किसी औजार से भी न मरूं, तो नाखून से पेट फाड़ दिया। इतना वरदान मांगे हिरण्यकश्यप ने, आप कभी जानते हो ना इसे अधिक वरदान मांग लेना, कोई पता चले आप तो कौन सा उपाय करोगे आप? शरीर का मरना मरना नहीं है, शरीर का मरना पीड़ादायक नहीं है, शरीर तो मरेगा ही मरेगा। शरीर के मरने के पहले अंदर जो अहंता ममता है, ये अहंता ममता मरना चाहिए। और अहंता ममता मारने का काम हम नहीं करते हैं, बल्कि उम्र बढ़ती जाती है, अहंता ममता बढ़ती चली जाती है। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है।
दुनिया की कोई चीज़ नहीं बचा सकती है आदमी को शरीर के मरने से, जो हाथ में है ही नहीं उसे भयभीत क्यों। और कितनी बढ़िया बात है, हम मरने से डरते हैं मेरी मौत ना हो जाए, और मरेंगे तो पता चलेगा कि मैं मर गया। अरे जिसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया तब उस समय के लिए भयभीत क्यों होते हैं भाई। पता चलता कि मैं मर गया तो रोते, पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया तब भयभीत क्यों। इसलिए भयभीत है आदमी, इसलिए डरता है मरने से कि मेरा घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, ये जमीन जायदाद छूट जाएगा, मेरे वो छूट जाएगा। तो कोई उपाय करो, छूटे ना, सब लेकर चले जाएं। जब ये बताओ, हमारा घर, हमारे जमीन जायदाद, हमारा मठ आश्रम, हमारा ये न छूटे, यदि पहले के लोग लेकर चले गए होते तो आपके पास कुछ बचता क्या? पहले के लोग छोड़ छोड़ करके बचे तब तो आपको मिला, और लोग चले गए होते तो क्या मिलता आपको? शून्य खाली जगह दुनिया में तो भी कहाँ रहते पहले के लोग? आपके लिए छोड़कर चले गए, हमारे लिए छोड़कर चले गए, हम बाद में आने वालों के लिए छोड़कर चले जाएं, ये तो नियम है, ये तो सिस्टम है दुनिया का। दुनिया की जो चीज़ें मिली है इनसे जीवन का निर्वाह कर लें और सेवा कर लें, बस लोभ छोड़ दें। यदि लोभ छूट जाए तो डर नहीं होगा, मोह छूट जाए तो मरने का डर नहीं होगा। ये लोभ मोह आसक्ति, इन्हीं के कारण से मृत्यु का भय होता है। और लोभ मोह ना हो तब कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, एकदम निश्चिंत। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, जे मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुन करके आदमी डर जाता है, मुझे तो मृत्यु का नाम सुन करके बड़ा आनंद आता है, कब इस शरीर इन सारी परेशानियों दुखों से छुटकारा दिलाती है, उस मौत से क्यों डरते हैं? और कितना कितना भय आदमी, कितना कितना भय, अत्यंत भयभीत आदमी, अत्यंत। अक्सर मैं एक घटना की चर्चा किया करता हूं, पुरानी बात है, 25-30 साल पहले की बात होगी। प्रयागराज जहां हमारा आश्रम है,
शाम का समय था, मैं एक काम से इंडिया गया था, ऊपर निवास नीचे दफ्तर, दफ्तर में बैठा था, प्राइवेट दफ्तर है, मालिक से बात हो रही थी, ऊपर से नौकर उतर कर नीचे आया और मालिक से नौकर ने कहा, भाई जी ने संदेश दिया, भाई मतलब मालकी, भाई जी ने संदेश दिया है शाम हो रही है, भोजन बनाने का टाइम हो गया है, नमक खत्म है, बाजार से नमक मंगवा दे। तो मालिक नाक भाव सिकोड़ करके कहता है, नमक इस शाम को नमक मंगाओगे बड़ा अंधेर हो जाएगा, मतलब शाम को नमक खरीदोगे तो मर जाओगे, खाओगे तब नहीं मरोगे, चाहे रात में खाओ। कितना भ्रम में पड़ा है आदमी, कितना भ्रम में पड़ा हुआ है। और कितना डरा हुआ आदमी, शाम को नमक नहीं खरीदना है क्योंकि नमक खरीदेंगे तो घर वाले मर जाएंगे, रात में जब 12 बजे भी खाओगे तो नहीं मरोगे, इतना भय है आदमी को मरने का। शरीर की मौत से डरना नहीं है, साहब कहते हैं जीते जी मरना सीखना, जी मरना, जे को मरे मरन है मीठा, जो कोई मरना चाहे वो मर जाए, मरना मीठा है। तो शरीर का मरना नहीं, मन का मरना, और मन के मरने का अर्थ होता है झुक जाना, विनम्र हो जाना, सारे अहंकार ममकार को गला देना। जहां भी पीड़ा होती है अहंकार के कारण से होती है। एक आदमी गुस्से में आकर गाली दे रहा है और जो मन में आ वो गाली दे रहा है, आप चुप मौन हो जाएं, मर जाएं, उस समय मर जाएं, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब आप मर जाएंगे, विनम्र मौन प्रतिक्रिया रहित हो जाएंगे, तो सामने वाले के गुस्सा को भी मरने में देर नहीं लगेगी। और उस समय नहीं मरे, आपका गुस्सा भी जीवित हो गया, तो उसका उसके गुस्से को तो डबल ताकत मिल जाएगी और महाबलवान हो जाएगा उसका गुस्सा, फिर तो और पता नहीं क्या क्या कहां तक बात पहुंचेगी। घर में ही रहते हैं, पिता ने कह दिया, बेटा ने कह दिया, भाई ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, सास या बहू ने कह दिया, मर जाएं, मौन होकर अपना काम करते रहें, विवाद नहीं होगा, कला नहीं होगा, यही मरना है, प्रतिक्रिया रहित होना। और सब जानते हैं गरम लोहा को गरम लोहे से नहीं काटा जा सकता है, गरम लोहे को काटना है तो ठंडे लोहे की आवश्यकता है। शायद गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है या किसी उन्हीं नाथ परंपरा में किसी ने कहा है, अगला अग्नि होइबा औधु तुम होइबा तब पानी,
अय अवधु, सामने वाला आदमी यदि आग बन गया है तब तुम पानी बन जाओ। आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी बनना मरना है, और मर गए तो कितना आनंद आएगा। बिना मरे आनंद नहीं आने वाला है। परमानंद का अनुभव करना है तो मरना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, सहन करना होगा, शांत होना पड़ेगा। ये साधना क्या है? मरना। साधु का कपड़ा क्या है? कफन। कफन तो ओढ़ लिया जाता है, लेकिन मरना कठिन लगता है। श्री विशाल साहब ने कहा है, मृतक चिन्ह सो जानिए गुरु कफनी कौपीन, चिता भूमि से ना डिगे जो जग मृत्यु लय लीन। गुरु ने जो कफनी, ये अचला सफेद वस्त्र जो दिया है, ये मृतक चिन्ह है, मरने का चिन्ह, कफन है यह। मुर्दा चिता भूमि से डर करके भागता नहीं है, चिता में मेरे हाथ पैर जल जाएंगे, ये जल जाएगा, वो जल जाएगा, बड़ी पीड़ा होगी। मुर्दा तो शांत पड़ा रहता है। किसी मुर्दा को डर करके भागते देखा है? भागता नहीं वो मुर्दा, उसी में जल करके राख हो जाता है। साहब कहते हैं, तुम्हारा ये जो कपड़ा पहने हो साधु का, ये कफन है, और ये पूरा संसार मानो चिता भूमि है। फर्क क्या है मुर्दा में और साधु के कपड़ा पहनने में? वहां देह तदि जीव चला, यहां जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास हुए मोक्ष पंथ मिला। वहां तो मरना हुआ कि जीव शरीर छोड़कर चला गया, शरीर मुर्दा हो गया, बेकाम निष्क्रिय। यहां करना क्या है? मन से जगत की आसक्ति का त्याग, संसार में रहे, संसार बाहर रहे, संसार मन में न रहे। संसार में आप रहें, संसार आपके भीतर न रहे। शरीर ही संसार है ना। सबसे बड़ा संसार जो हमारे लिए उलझन का कारण बनता है, भटकाव का कारण बनता है, हमारा ये शरीर है। ये शरीर पे संसार न रहता तो बाहर का संसार जानने में कैसे आता है? तो शरीर तो है, और शरीर रहते तक बाहर का संसार छूटेगा कैसे? छूटना है मोह, छोड़ना है मोह को। मोह छोड़ दिए, आसक्ति छोड़ दिए, फिर बाहर का संसार बांधेगा नहीं, और संसार बांधता भी नहीं है। ये मकान हमें कहाँ बांध रहा है? पेड़ पौधे रुपये पैसे कहाँ बांध रहे हैं? ये स्त्री पुरुष कहाँ बांध रहे हैं हमको? हमारे मन में इनके लिए जो लोभ है, मोह है, आकर्षण है, अंतमता है, इनसे सुख मिलेगा ऐसा जो भ्रम है, वही संसार है।
और हमें वही बांधता है। तो मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब है अहंता ममता का त्याग। दो चीज, बाहर कुछ अपना ना मानना, बाहर सेवा करना है, बाहर सेवा करते हुए भी किसी चीज से अपने को जोड़ करके अहंकार ना करना, और भीतर आसक्ति का त्याग कर देना, यह मरना है। दुनिया में आए हैं तो सेवा तो करना होगा, प्रेम का व्यवहार भी करना होगा। सेवा प्रेम में सेवा होगी ही होगी, सेवा है और प्रेम ना हो ये संभव कहाँ है? जितना सेवा होगी और मन में दूसरों के लिए प्रेम होगा, उतना ही मन मजता चला जाएगा। जहाँ सेवा की भावना है और जहाँ लोगों के लिए प्रेम है, वहाँ अधिकार भाव नहीं होगा। अधिकार भाव में सेवा नहीं होती है, अधिकार भाव में प्रेम नहीं होगा। जब हम कोई भी व्यक्ति जो सब पर अधिकार करना चाहता है, शासन जमाना चाहता है, वो सेवा क्या करेगा? वहाँ तो भोग की दृष्टि होगी, स्वार्थ की दृष्टि। अधिकार भाव तभी आता है जब स्वार्थ भावना होती है, भोग भावना होती है। और जहाँ स्वार्थ भावना भोग भावना है, वहाँ प्रेम कहाँ टिकेगा? प्रेम गायब हो जाएगा। और सेवा और प्रेम ही नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अंतःकरण शुद्ध ही नहीं है तो शांति की प्राप्ति, शांति की अनुभूति कैसे होगी? कल्याण का काम कैसे होगा? फिर तो जिंदगी भर क्या शिकायत शिकायत, उलझना, स्वयं उलझना, औरों को उलझाना। प्रेम और सेवा, लेकिन कुछ मेरा नहीं है, सारी व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था करनी होगी, जीवन का निर्वाह जो यथा योग्य करना होगा, लेकिन पकड़ नहीं कहीं भी, कहीं भी पकड़ ना हो, कहीं पकड़ ना होना, यही फकीरी है, यही साधुता है। पकड़ रहित मन, ये जीते जी मरना है। मर गए, जैसे मरे वैसे बंधन छूटा और मुक्ति मिल गई। बिना मरे न स्वर्ग मिलेगा, न बिना मरे न मुक्ति मिलेगी। सबके मन में होता है कि मैं स्वर्ग जाता, लेकिन स्वर्ग जाना होगा तो मरना होगा भाई। और मरने के बाद, वो शरीर के मरने के बाद कौन कहाँ गया किसे पता? वो तो हम कह देते हैं शिष्टाचार वश कि आज अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया, न तो मरने वाले ने बताया कि मैं स्वर्ग में गया, और न हमें मालूम। जीते जी स्वर्ग कन्व, जीते जी स्वर्गवास, जीते जी स्वर्गवासी होना है। और जीते जी स्वर्गवासी होने का मतलब क्या है? सारा अहंकार छोड़ दो, बिल्कुल सरल, बिना कुछ पकड़ ना रखें भीतर, अपने को कुछ न माने, बस एक मनुष्य हूं विनम्र। जीते जी स्वर्ग का आनंद, जीते जी स्वर्गवासी हो गए। और सब तरफ से अनासक्त आसक्ति का त्याग करोगे तब जीते जी मुक्ति का अनुभव हो गया। अक्सर गुरुदेव जी ये उदाहरण दिया करते थे, मालूम होगा,
मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा पूछा, मर जाओ सुख पाओगे? कहीं एक मुर्दा पड़ा था, उसी में मस्त राम के उसी बगल में मस्त राम नाम का एक आदमी लेटा हुआ था। उस मस्त राम नाम के आदमी ने उस मुर्दा से पूछा, मुर्दा तुम मुझे कुछ बतलाओगे? मुर्दा ने कहा, जरूर बतलाऊंगा, तुम पूछ रहे हो तो मर जाओ। देखो मैं मर गया, सारी झंझट से छुटकारा, सारी पीड़ा से छुटकारा, स्वतंत्र निर्भय, अब कोई चिंता कोई भय कोई दुख का कारण नहीं रह गया। ऐसे तुम भी मर जाओ तो वहाँ फांसी लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अहंता ममता छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, अधिकार भाव छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, मैं बड़ा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ ये छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ नहीं है बिल्कुल, मैं एक मनुष्य हूँ बस, इसका अहंकार नहीं होगा। कभी आपने किसी को कहते सुना है, तुम समझते क्या हो, मैं आदमी हूँ आदमी? अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है, तुम समझते क्या हो मैं इतना धनी आदमी हूँ, तुम समझते क्या हो मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ये आदमी हूँ, मैं वो आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, झूठी वस्तुओं का अहंकार। सच क्या है? मैं एक मनुष्य हूँ बस, इसका अहंकार नहीं होगा। मनुष्य बनने की आवश्यकता है, मनुष्य का शरीर तो मिला है, किंतु मनुष्यता है भी या नहीं है? मनुष्यता कहाँ है? एक मनुष्यता आ जाए तो दुनिया आज का आज स्वर्ग बन जाए। सब कुछ हम बहुत कुछ बन जाते हैं, मनुष्य नहीं बन पाते। आकृति मनुष्य की है, न तो प्रकृति मनुष्य की है, न संस्कृति मनुष्य की है। तो मैं कह रहा था हम एक मनुष्य हैं बस, हम एक साधक हैं, अपने दुख निवृत्ति के लिए काम कर रहे हैं, किसका अहंकार होगा? यही तो मरना है। अभी जीते जी जब मर गए, सब कुछ मन से सब कुछ का त्याग कर दे, शरीर से त्याग नहीं होगा। बाहर शरीर से सब कुछ का त्याग किया ही नहीं जा सकता है। कुछ ना चाहिए, भोजन तो चाहिए ना, खाएं, खाने की आसक्ति छोड़ करके देखें, देखने की आसक्ति छोड़ करके सुने, सुनने की आसक्ति छोड़ करके किसी चीज का प्रयोग करें, लोगों से व्यवहार करें, अधिकार की भावना छोड़ करके कौन दुख होगा? कहाँ बंधन बनेगा? लेकिन हम खाते तो हैं, स्वाद लेकर खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं खाते। भूख एक रोग है, उस भूख रोग की दवा है भोजन। भोजन को यदि हम दवा समझ करके खाएं, भोजन को यदि हम अपने भोजन को ही हम औषध बना लें, तो बाहरी औषध खाने की आवश्यकता प्रायः नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो बहुत कम पड़ेगी। और जब हम भोजन को दवा बना करके नहीं खाते, जी हाँ स्वाद के लिए खाते हैं,
तब फिर बाहर डॉक्टरों की दवा खानी पड़ जाती है। तो जीवन भर खाना है, खाने का आसक्ति छोड़ करके खाएं, बस पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए खाएं। अब सोचना यह है आपको, खाना तो है जिंदगी भर, बिना खाए किसी का काम चलेगा नहीं। आप दो दिन, चार दिन, छह दिन, दस दिन छोड़ दो, जीवन भर तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो जीवन भर खाना है। अब सोचें, जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? यदि जीने के लिए खाओगे तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और खाने के लिए जियोगे तो क्या क्या दुर्दशा होगी कहने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य यह है, जीने के लिए खाने वाले दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं, और खाने के लिए जीने वाले ये बहुत लोग हैं। ये तमाम होटल से बने हुए हैं ना, आपके खाने के लिए, जीने के लिए नहीं है। बाहर जितना खाओगे खाओगे, ठेले में, भोजन में, ये में, वो में, जेब तो हल्की होगी ही होगी, और दो प्रकार से हल्की होगी जेब, एक ठेले में या होटल में हल्की होगी और एक हॉस्पिटल में हल्की होगी, बचोगे नहीं कहीं भी। क्योंकि जीने के लिए खाओगे तो जेब हल्की नहीं होगी, जो पैसा बचेगा किसी और काम में लग जाएगा। तो मैं कह रहा था खाना है, खाने की आसक्ति छोड़कर जो कुछ करें, आसक्ति छोड़ करके करें, सिर्फ निर्वाह लेकर औषधवत करें, बंधन का कोई कारण ही नहीं रहेगा। जो कुछ भी करें निष्काम होकर के करें तो कर्म बंधन का तो पहले बनेगा। सद्गुरु कबीर ने जो कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सद्गुरु साधक को ऐसी युक्ति बताते हैं कि साधक कर्म करते हुए भी अकर्मी हो जाता है। अब कर्म करते हुए अकर्मी कैसे होगा? जब कर्म कर रहे हैं तो अकर्मी तो हो नहीं सकता। आसब फल की आकांक्षा छोड़कर, जिसे गीता में कहा, कर्म ने बाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म फल की आसक्ति छोड़ कर, फल तो आएगा, हम कर्म करें और फल ना आए ऐसा नहीं होगा। फल तो आएगा, लेकिन आसक्ति पूर्वक जब कर्म करेंगे तो जो भी फल आएगा उसमें मन को पूरा संतोष नहीं होगा। यदि मन के अनुकूल नहीं आया फल तो दुखी होगे, शिकायत करोगे, रोओगे, और जैसा चाहते थे वैसा फल आ गया तब उछलोगे, अहंकार करोगे। उछलना भी गलत और रोना, शिकायत करना भी गलत, और आसक्ति रख करके, फलाकांक्षा रख करके कर्म करोगे तो दोनों में से कोई एक होगा, या तो रोओगे या तो उछलोगे। और निष्काम होकर के कर्म करेंगे, सिर्फ कर्तव्य समझ करके, फिर जो फल आ जाए सहज भाव से स्वीकार, न उछलना है न रोना है, फिर बंधन का काम थोड़े बनेगा। जब हम आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं तो अनेक गुना के रूप में वो कर्म फल हमारे सामने आता है, दुख, पीड़ा, पता नहीं किस रूप में। और जब हम आसक्ति छोड़ करके काम करते हैं तब काम तो करते हैं किंतु जो फल आता है हमारे लिए बंधनदायी नहीं होता है। कबीर परिचय में श्री गुरुदास साहब जी ने कहा है, एक कर्म है बोना, उपजे बीज बहुत,
एक कर्म है भूनना, उगैना अंकुर सूत। बीज को खेत में बोना एक कर्म है, उसका फल क्या होता है, अनेक गुना के रूप में फसल तैयार होती है। और उसी बीज को आग में भून देना भी कर्म है, परिणाम क्या होगा, अंकुर भी नहीं निकलेगा। तो जीवन में यदि आसक्ति पूर्वक कर रहे हैं तो खेत में बो रहे हैं। लोभ है, लालच है, मोह ममता है, किसी प्रकार तो खेत, तो बीज को खेत में बोया जा रहा है, अनेक गुणक रूप में वो फसल तैयार होगी। दुख, पीड़ा, चिंता और किस रूप में पता नहीं, बंधन का कारण बनेगा। और निष्काम होकर कर्म कर रहे हैं तब बीज को भून कर कर्म कर रहे हैं, बंधन नहीं बनेगा। तो इन सब तरह से निष्काम, अनासक्त, निर्माण, निष्प्रिय हो जाना, यही मरना है। जियो को मरे मरण है मीठा, गुरु प्रसाद मरे जी ने डीठा। जो कोई मरना चाहे तो मर जाए, मरना बड़ा मीठा है। और गुरु कृपा से जो जो लोग मर गए वो सब मुक्त हो गए। मरना क्या है, कर्ता भाव का मरना है। मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, ये जो भाव है ना, यही जिंदा होना है, ये दुख का कारण। और कर्ता भाव छोड़ करके काम करना, अपने को कर्ता ना मानना, कर्ता भाव छोड़ कर काम करने का अर्थ है निष्काम हो जाना। ये कर्ता भाव, कर्ता भाव में होगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, और कुछ नहीं, मैं एक साधारण साधक हूँ, सेवा कर रहा हूँ बस, कर्ता भाव खत्म। कर्ता भाव छोड़ करके काम करेंगे तो अपमान होने का डर नहीं होगा, और कर्ता भाव रख कर करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा तो अपमान होने का डर रहेगा, अब बिगड़ जाएगा तो अहंकार होगा। निंदा प्रशंसा से ऊपर उठ करके काम करना, हानि लाभ की चिंता से ऊपर उठ करके काम करना, कर्ता भाव छोड़ करके काम करना, ये मरना है। शरीर जब मरेगा तब मरेगा। ये कर्ता भाव अहंकार का, अहंकार आएगा तो कर्ता भाव हो गया ही होगा, फिर पीड़ा से हम बच नहीं सकते। तो मरने का अर्थ है, यदि कहीं विवाद हो रहा है, कोई गाली दे रहा है, कुछ गुस्सा कर रहा है, तो वहां झुक जाना, सहन कर लेना, उलझन नहीं आएगी व्यवहार में, विवाद नहीं होगा। सामने वाला आदमी भी दो चार मिनट गुस्सा करके शांत हो जाएगा, फिर उसको अपने गुस्से पर आत्ममंथन होने लगेगा कि बेकार ही मैंने गुस्सा किया, आत्मग्लानी होगी उसको, सामने वाले व्यक्ति ने गुस्सा किया, हमने भी गुस्सा किया, तो कभी आत्मग्लानी नहीं होगी, कभी उसे भी गुस्सा छोड़ने का मन नहीं कहेगा। हम गुस्सा कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति शांत होकर सहन कर रहा है, तो हमें आत्मग्लानी होगी, देखो इतना गुस्सा मैंने किया, बड़ा इतना शांत रहा, इतना शांत रहा, क्या मैं वैसा शांत नहीं हो सकता, फिर आत्मग्लानी होगी और स्वयं सुधार की भावना होगी। तो कोई गुस्सा कर रहा है, जैसे मैंने कहा था अभी, अगला अग्नि होइबा और अधू तुम होइबा तब पानी, ये मरना है।
और जब कुछ काम करें तब अधिकार भावना छोड़ करके, कर्ता भाव छोड़ करके, निर्माण निष्प्रिय हो करके, ये मरना है। और ऐसा मरना हो गया तो जीते जी स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा होगा और जीते जी मुक्ति का भी अनुभव होगा। बिना मरे आज तक न किसी को स्वर्ग मिला है न बिना मरे किसी को मुक्ति मिली है। किंतु मरना शरीर का मरना नहीं है, मन का मरना, मन की इच्छा कामनाओं का मरना, मोह ममता का मरना, तृष्णा का मरना, आसक्ति का मरना, अहम भाव का मरना, ये मरने से जीते जी स्वर्ग मिलेगा और जीते जी मुक्ति का भी अनुभव होगा। इसलिए मरना सीखना होगा, ये मरना सीखना ही साधना है, इसके लिए ही ज्ञान भक्ति की आवश्यकता होती है। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा, ये वैराग्य क्या है, मरना ही तो है। आसक्ति छोड़ दे, राग छोड़ दे, मर गए बस, दुख खत्म। इसलिए जिसे शांति प्रिय है, जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो जीते जी मर जाए। जीवत मृतक को अंग इसीलिए कहा जाता है। फिर शरीर को जब मरना होगा तब मरेगा। शरीर का जीता रहना बंधन कारण नहीं, मन का जीता रहना, आसक्ति वासना का जीते रहना, ये बंधन कारण से आसक्ति और वासना का मर जाना, ये वास्तविक मरना है जीते जी। और इसी के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में, सब इसी के लिए होता है। बत्ती बंद कर दें और थोड़ी देर सब अंतर यात्रा करें। अंदर इस भाव में मन को लगाएं कि देखें कि मन मरा हुआ है या जी रहा है। जी रहा है तो भी दुख है, मन मर